आप ना इसकी सीट चेंज करा दो, इसको ना आप मीनाक्षी के साथ बिठाए करो, राहुल के साथ बैठती है पूरा दिन। मैथ्स में तो उसकी बुरी हालत है ना, इसको 2+2=4 भी हमें बार बार बताना पड़ता है स्टार्टिंग से, इसको ना जब भी पढ़ाओ स्टार्टिंग से ही पढ़ाना पड़ता है इसको फिर से। और डाउट्स तो इसके इतने आते हैं ना, जैसे ही घंटी बजती है ना वैसे ही डाउट आते हैं इसके, क्या बताएं हम आपको। इसको आप स्पोर्ट्स में डालो, है ना, आजकल यूनिवर्सिटीज में होता है स्पोर्ट्स कोटा, कर लेगा वहाँ कर लेगा। हैंड राइटिंग तो मैं क्या बताऊँ ना इसकी, ऐसे जलेबी छानता है ये किताबों पे कि पूछो मत। हमें तो ग्रुप स्टडी करनी पड़ती है इसकी राइटिंग की, समझने के लिए कि लिखा क्या है इसने। बहुत पोटेंशियल है इसमें, बस पढ़ती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी जॉइंट फैमिली है ना, तो इसी की वजह से जो है ना ये ना बिगड़ गई है थोड़ी सी। आप बोर्डिंग में डाल सकते हो इसको। कितने घंटे टीवी दिखाते हो आप इन्हें, 4 घंटे? नहीं, कट इट टू आधे घंटे से ऊपर नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं तो क्या बताऊँ, मैं तो कोई भी होमवर्क दे दूँ इसको इसने करना ही नहीं है, या करना है तो बोल देना कॉपी घर पे छूट गई है। मैं तो मतलब परेशान हो गई हूँ। बड़ा शैतान है, वेरी नॉटी। बताऊँ आपको, ये पिछले एग्जाम में यूनिट टेस्ट का एग्जाम था, हाफ इंडली जितना बड़ा पर्रा लेके आया था, हम तो परेशान हो गए इससे। आप इसके घर पे कुछ समझाते नहीं हो क्या? नंबर तो इसके वैसे थोड़े कम आते हैं ना, कोई बात नहीं, आर्ट्स पढ़ लेगा, है ना, आर्ट्स पढ़ लेगा।